8080 चार बार 80। आप इसको दबाएंगे, घंटी बजेगी, 2 मिनट के अंदर आपको एक संदेश आएगा और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। इसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। दूसरा रास्ता है, आप नमो ऐप दबाएंगे, नमो ऐप में मेंबरशिप खुलेगी, आप उसमें अपने आग्रह डालेंगे और आप नमो ऐप के माध्यम से भी आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। और तीसरा तरीका है जो अभी हमने किया कि फॉर्म भरकर उसको हस्ताक्षर करके जो मोबाइल में भी आया है उसको भी ऑथेंटिकेट करेंगे और यहां से भी मेंबर बनाएंगे ताकि वो पक्का मेंबर भारतीय जनता पार्टी का बन जाए, इस बात की हम चिंता करेंगे। इस तरीके से रखा मित्रों, हम सब लोग पूरी ताकत से लगे हैं। 23 लाख पिछली बार की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी झारखंड यूनिट की है और इन्होंने तय किया है कि हम अपनी सदस्य संख्या दुगुनी करेंगे, विधानसभा में 65+ सीटें लाएंगे, हरेक विधानसभा में 50,000 से ज्यादा सदस्यता होनी है। और इसी सदस्यता में मैं भी आज जुड़ा हूं। हम और रघुवर दास जी आज 5 परिवारों 6 परिवारों में जाएंगे और वहां उनके परिवार के सज्जन वृंद को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे ताकि यह ध्यान में आए कि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता है, सबको 7 दिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेंबरशिप करनी है और सदस्य अभियान में अपने आप को जोड़ना है। इस तरीके की योजना बनकर के हम काम में जुटे। आपका सहयोग, आपका समर्थन हम सबको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं कल भी संगठन के कार्यकर्ताओं से कह रहा था, मेरे पार्टी में संगठन में काम करते हुए मेरी तजुर्बा लगभग 40 साल का है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब से काम कर रहा हूं। मेरे बहुत से साथी थे जो कम्युनिस्ट बन गए, मेरे बहुत से साथी थे जो कांग्रेसी बन गए, मेरे बहुत से साथी थे जो सोशलिस्ट बन गए। मेरी दोस्ती बरकरार रही, मैंने दोस्ती कभी नहीं छोड़ी और मैं ये मानता हूं कि वो भी ईमानदारी से लगे थे जितनी ईमानदारी से मैं लगा था। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मैं सही पार्टी में लगा था, वो भाग्यशाली नहीं थे इसलिए वो गलत पार्टी में लगे थे। लगे वो भी ईमानदारी से थे लेकिन रास्ता सही नहीं था इसलिए वो सही जगह नहीं पहुंच सके। हम सही रास्ते पर चले थे इसलिए भारत की यशस्वी पार्टी में हमको भी जुड़ने का मौका मिला, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे कम्युनिस्ट साथी मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तो कहते हैं आपको तो मालूम है हम सत्ता में आने के लिए तो आए नहीं थे, हम तो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे थे। मन में मैं सोचता हूं कि सत्ता में आने लायक लोगों ने छोड़ा कहां था। हमारे कांग्रेसी साथी मिलते हैं, मैं पूछता हूं कहो भाई क्या हालचाल है, कांग्रेसी साथी बोलते हैं भाई हालचाल पूछने लायक छोड़ा हो तो बताओ ना कि हालचाल क्या है। मेरे एक साथी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता है, चुनाव के दौरान मुझे एयरपोर्ट पर मिल गए गोरखपुर के। मैंने कहा कहां घूमने जा रहे हो, बोला चक्कर लगाने जा रहा हूं। मैंने कहा क्या करना है, बोला कुछ रही नहीं गया, चक्कर ही लगाना और क्या करना। आप उनकी व्यथा समझिए कि सही समय पर सही पार्टी में नहीं आने की व्यथा क्या होती। और जब हम लोग काम कर रहे थे दूर दूर तक सत्ता नहीं दिखती थी लेकिन हमारे को अपनी नीयत और नीति और पार्टी की आइडियोलॉजी दिखती थी जो दुनिया में यशस्वी होने वाली थी, इस कारण से हम ताकत के साथ लगे रहे और आज वो सामने आया है, ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करने का मौका मिल रहा है, आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, पूरी ताकत के साथ लगिए, पार्टी को यशस्वी बनाइए, अपने आप को देश को दुनिया में आगे खड़ा करने के योगदान में अपना भी योगदान करिए, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। 5 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को दुनिया के नक्शे पर एक चमकता दमकता आगे बढ़ता हुआ छलांग लगाता हुआ भारत की छवि बनाई है। आज भारत के अंदर
आज हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे उभर रहे हैं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। दुनिया मान रही है हमारा लोहा। ये चीन वाले हमारे साथ व्यापार करने ऐसे नहीं आ रहे। ये जापान हाथ इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि उसको भारत में उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आज भारत इस लायक हो गया है कि जापान के साथ मिलकर के कोई आगे व्यापार बढ़ सकता है, इस तरीके की संभावनाएं बनी। अमेरिका इसलिए नहीं हाथ बढ़ा रहा है, अमेरिका को मालूम है कि भारत उद्यमी देश बन गया है, सबसे आगे बढ़कर के आ रहा है, फार्मास्यूटिकल में अमेरिका को पिछाड़ने के बराबर पर खड़ा हो गया है, इस तरीके की भारत की छवि बनी। और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में देश जब सबसे आगे बढ़ने को लगा हुआ है, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना छोटा सा योगदान जरूर करें, सदस्य बनकर के कार्यकर्ता बने, ताकत के साथ लगे, पार्टी को आगे खड़ा करें और इस यशस्वी पार्टी को और आगे ले जा सके, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ने की ताकत हम पैदा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और बहुत ही और 2-3 मिनट टाइम लेना चाहेंगे सर। जेपी नड्डा अपनी बात रख रहे थे, वे बता रहे थे कि सही समय पर सही पार्टी में आने का महत्व क्या होता है, और कोशिश से यही बीजेपी लगातार कर रही है कि जो सदस्यता संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पार्टी से जुड़े। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से लोग मिस्ड कॉल देकर, लोग ऐप का इस्तेमाल कर आसानी से सदस्यता बीजेपी की ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जोर शोर से इस अभियान को चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ भी सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में सिर पर विधानसभा चुनाव है और इसको भी लेकर पार्टी ने 65 का आंकड़ा पार करने की रणनीति बनाई है। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर लोगों को जोड़ेंगे तो लोग कहीं ना कहीं जो मेंटली हैं वो बीजेपी के साथ पहले से ही